कोई बात नहीं सर। हाँ मैं शेयर कर देता हूँ। अच्छा इसकी हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे इसका? किसी और से पूछें सर, मेरी कल मैथ की क्लास में कनेक्ट हुई थी। बाकी कोई है कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा कहने लगा अस्सलाम वालेकुम बाबा जी सियालकोट। ए बाबा ये फैसला हुआ। अच्छा वो मैं गया ना उधर स्वात कलाम, उधर बहुत शुगर लगा, उधर हर जब लिफ्ट पे बैठे हर बंदा ही ये शुरू हुआ है बाबा जी सियालकोट बाबा जी सियालकोट। अच्छा कौन सा क्वेश्चन था इसका? सर मैंने भी कल क्लास ले ली थी इसलिए मुझे भी नहीं पता। सर हारिस से पूछे, इसने कल ली थी। हारिस बताओ भाई, हारिस या अब्दुल्ला? हाँ अब्दुल्ला F4.3 हाँ का हाँ जी 4.3 कंप्लीट तो नहीं कर ली थी? सर हो गई थी पूरी सर, हाँ 4.3 कंप्लीट, कंप्लीट हो गई थी। 4.4 का नहीं आज जी 4.4 करनी है। अच्छा सर। 4.4 करने से पहले थोड़ा सा हमने देखना है हमारे पास जो होता है क्यूब रूट ऑफ रूट यूनिटी। सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये देखें हमारे पास होता है एक्स क्यूब इक्वल टू वन। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या होता है हमारे पास? एक्स इक्वल टू अंडर रूट वन की पावर, ऐसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जब हम इसका बोथ साइड टेकिंग क्यूब लेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा क्यूब, इधर बन जाएगा वन, इधर से बन गया क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो। इस पे फॉर्मूला लगा लेंगे क्यूब वाला, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो इधर से हमारे पास बन जाएगा एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इधर से बन गया एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इसके पेयर्स तो बनते नहीं है, इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ए की वैल्यू भी वन है, बी की वैल्यू भी वन है, सी की वैल्यू भी वन है। एक्स थोड़ा सा बता दें क्या पढ़ा रहे हैं वो? अभी आया हूँ मैं, सॉरी अभी आया हूँ, थोड़ा सा बता दें क्या पढ़ा रहे हैं। हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी डिस्कस कर रहे हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास वो होते हैं वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये हम बनाना चाह रहे हैं तो उसको हमने स्टार्ट किया है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जिसकी पावर वन बाई, ओके सर। तो ये बोथ साइड हमने क्यूब लिया टेकिंग बोथ साइड क्यूब, तो इधर से माइनस वन इधर वन इधर आके माइनस वन हो गया। तो ये ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब फार्मूला खोल लिया, ए माइनस बी ए का स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो इधर से पहले वाली टर्म इक्वल टू जीरो होगी, दूसरी वाली टर्म इक्वल टू जीरो होगी। अब दूसरे वाली टर्म के हमारे पास पेयर्स नहीं बन रहे थे तो हमने ए बी और सी का आंसर लिख लिया। अब इधर से हमारे पास फार्मूला होता है माइनस बी मतलब वो माइनस वन प्लस माइनस बी का स्क्वेयर वन माइनस फोर इंटू बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी। वन वन आ जाएगा वो फोर ही आ जाएगा हमारे पास ओवर टू ए, वो टू बन जाएगा। माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट माइनस थ्री ओवर टू, इसको हम फर्दर लिख लेते हैं माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट थ्री। माइनस वन अंडर रूट हमारे पास होता है एटा की वैल्यू ओवर टू। अब हमने नाम दे दिया इसको ना, सपोज कर लिया हमने नाम दे दिया इसको माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री एटा ओवर टू, और दूसरे को नाम दे दिया हमने माइनस वन उसका माइनस आएगा। तो इसमें माइनस अंडर रूट क्योंकि इसके दो ऑर्डर पेयर बने हैं ना, दो पेयर बने हैं एक प्लस वाला एक माइनस वाला। प्लस वाले को नाम दे दिया हमने ओमेगा का और दूसरे को नाम दे दिया हमने ओमेगा स्क्वायर का। अब इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ, अब वो प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। अगर कहते हैं इन तीनों को हम सम करें, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू जीरो होता है वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के हमारे पास ये है ना रूट्स वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये देखें एक तो आंसर इधर से आ गया था एक्स इक्वल टू वन, एक आंसर ये आ गया
और दो आंसर ये आ गया, उसको हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का नाम दे दिया। कहते हैं इन तीनों का सम करें तो उनका जवाब आता है जीरो के बराबर। वो चेक कर लेते हैं, वन प्लस माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री एओटा ओवर टू प्लस माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री एओटा ओवर टू। टू एलसीएम आ गया हमारे पास, टू ये आ गया, माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री एओटा माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री एओटा। अब ये देखें इधर से अंडर रूट थ्री एओटा अंडर रूट थ्री एओटा आपस में कैंसिल हो गए, माइनस वन माइनस वन माइनस टू, टू माइनस टू ओवर टू, ऊपर आ गया जीरो, जीरो ओवर टू जीरो। ये हमारे पास क्यूब रूट, सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, हमारे पास उसके रूट्स का सम इक्वल टू जीरो होता है। फिर इनका एक ऐसे होता है कि अगर हम इनका करते हैं प्रोडक्ट, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन, वन इंटू माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री एओटा ओवर टू माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री एओटा ओवर टू। तो नीचे बन गया हमारे पास फोर, ऊपर ये देखें ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इस पे फार्मूला लग जाएगा माइन ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इधर से हमारे पास बन गया फार्मूला वन, और ये बन गया हमारे पास माइनस, और अंडर रूट ये कैंसिल हो गई, ये बन गया थ्री और साथ बन गया एओटा स्क्वायर। एओटा स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है, माइनस वन के। तो माइनस वन जब पुट करेंगे माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस वन प्लस थ्री ओवर फोर, ये बन जाएगा फोर ओवर फोर, फोर फोर से कैंसिल, ये वन आंसर आ गया। तो इसका मतलब हमें पता लग गया वन इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा क्यूब के बराबर होता है, ओमेगा क्यूब इक्वल टू वन। ये आगे हमने यूज करने ये वाले सारे ना। फिर नेक्स्ट हमारे पास इसमें होता है कि ये एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं, ओमेगा का स्क्वायर करें तो ओमेगा स्क्वायर का आंसर आ जाता है, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करें तो ओमेगा आंसर आ जाता है। ये देखें अब हम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं, माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री एओटा ओवर टू होल का स्क्वायर, ये बन गया माइनस वन का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस टू अंडर रूट थ्री एओटा और ये वन। ये आ जाएगा हमारे पास वन, और ये बन जाएगा हमारे पास प्लस, नीचे वाले का स्केयर करेंगे तो इधर भी सॉरी फोर आना था, ये बन जाएगा थ्री एओटा स्केयर, एओटा स्केयर, और इधर हमारे पास ये बन गया टू। अब इसके साथ तो ये ए की वैल्यू इधर हमारे पास माइनस थी, ये हो जाएगी प्लस टू अंडर रूट थ्री एओटा ओवर फोर, ऊपर ये बन गया हमारे पास वन माइनस थ्री प्लस टू अंडर रूट थ्री एओटा ओवर फोर, क्योंकि एओटा स्केयर की वैल्यू आपको इधर भी बताया अभी कि हमारे पास माइनस वन होती है। अब ये बन जाएगा हमारे पास वैल्यू बन जाएगी माइनस टू प्लस टू अंडर रूट थ्री एओटा ओवर फोर। तो इधर से दो कॉमन आ रहे हैं दोनों में से, टू कॉमन आ गया माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री एओटा ओवर फोर, ये कैंसिल होके हमारे पास टर्म क्या रहेगी, माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री एओटा ओवर टू। देखें हमने कहाँ से लेके चले थे, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू थी हमारे पास माइनस में, आंसर किस में आ गया प्लस में, प्लस वाली वैल्यू किसके बराबर होती है, ओमेगा के बराबर। तो ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। ठीक है, यही चीजें हमने आगे यूटिलाइज करनी है। अच्छा, आपको थोड़ा सा एक हिंट और इसमें बता दूं, अगर क्यूब रूट ऑफ फाइव होगा ना, क्यूब रूट नहीं उसमें फिफ्थ रूट कहेंगे, इसी तरह फोर्थ रूट, जब भी फिफ्थ रूट आ गया तो उसमें फिफ्थ तक जाके ये देखो वन प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा फोर इक्वल टू जीरो, अगर फिफ्थ रूट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा, सॉरी फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी होगा, मतलब ओमेगा फाइव पे उसका आंसर आएगा वन, जैसे इसका आ रहा है ओमेगा थ्री पे आंसर वन। ये एमसीक्यूज आता तो नहीं है, लेकिन ये हर क्लासेस में आपके काम आएगा।
यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ये सारा कुछ है ना आपने पहले डिस्कस किया हुआ है, जी सर। ये जिस तरह हमने ये किया है ना मेगा का किया है, इसी तरह हमारे पास होता है ये था क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसी तरह फोर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी और यूनिटी भी होता है, उसमें हमारे पास आंसर आते हैं 4। वो किस तरह हम देखते हैं, वो करते हैं हम x इक्वल टू 1 की पावर 4, दोनों तरफ फोर्थ पावर लेने से 1 आ गया, इधर से बन गया x4 - 1 = 0, इधर से बन जाएगा x² - 1 और इधर से बन जाएगा x² + 1। इधर से हमारे पास x² - 1 = 0, इधर से x² + 1 = 0, इधर से फर्दर आगे बन जाएगा x - 1 और x + 1। तो इधर से आ गया आंसर, जवाब आ गया 1 - 1 आ गया, 1 + 1 आ गया। इधर से जब करेंगे तो ये बन जाएगा -1, तो -1 का अंडर रूट लेंगे इधर भी और इधर भी, तो ये हमारे पास एक्स के 2 आंसर आ जाएंगे, प्लस माइनस ए होता। जब वो पूछेगा फोर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, तो एक्स के आंसर हमारे पास आ जाएंगे -1 + 1 एओटा माइनस एओटा, ये 4 आंसर हमारे पास आ जाएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह इनका आपने सम निकालेंगे, 1 + -1 प्लस एओटा प्लस माइनस एओटा, इसका सम भी हमारे पास देखते हैं किसके बराबर आता है, 1 - 1 + एओटा - एओटा। जैसे उसका सम भी 0 था, इसका भी सम 0 के बराबर है। इनका प्रोडक्ट देखते हैं, 1 - -1 इंटू एओटा इंटू माइनस एओटा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया और एओटा स्क्वेयर बन गया। एओटा स्क्वेयर हमारे पास किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो ये आ गया हमारे पास इसका। ठीक हो गया यहां तक? हेलो। यस सर। यस सर। चलो सही हो गया। अब इसके जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फर्स्ट के कोई पार्ट है इसके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कोई पार्ट है? हेलो। सर मैं देख के बताता हूँ। हाँ हाँ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 ही है, क्वेश्चन हाँ नंबर 1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है, तीसरा चौथा पांचवा। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है? फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ। अच्छा, भी ऐसे है यस कि सर। हाँ, ये पार्ट अब कैसे करने हैं हमने सॉल्व, ये पार्ट उसी तरह मैं एक पार्ट कर देता हूँ। ये देखें, 1 + ओमेगा इक्वल टू किसके होता है, यहां से हमने निकाल लेना है 1 + ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, 1 + ओमेगा इक्वल टू ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के। अब ये देखें, इसकी जगह हमने क्या पुट करना है, इसकी जगह हमने पुट कर देना है इसकी जगह हमने पुट कर देना है ये देखें, इसकी जगह हम पुट करेंगे -ओमेगा स्क्वायर, एक पहले ही है, तो इधर से हमारे पास क्या बनेगा, -2 ओमेगा स्क्वायर का होल की पावर 8। माइनस तो 8 की वजह से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 8 होता है हमारे पास 256, और ओमेगा की पावर कितनी बन जाएगी, 16। आपको पता है ओमेगा की पावर 3 पे आंसर देता है 1, तो इसको हम बात समझा दें। ये देखें, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होता है, 0 के। ठीक हो गया। तो इधर से हमने यस सर। 1 + ओमेगा की वैल्यू निकाल ली, वो किसके बराबर आ गई, -ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह -ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा -ओमेगा, स्क्वायर। हाँ, तो वो कितने हो गए, -2 ओमेगा स्क्वायर। पावर जब इवन आती है तो माइनस क्या होता है, खत्म हो जाता है, 2 की पावर 8, 2 को 8 8 दफा जरब देनी है आपस में, तो 256 आ जाता है। 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 8, 8 2 बार 16, तो इसको कैसे सोल्व करना है, इसको ऐसे सोल्व करना है 16, तो इसको हमने कोशिश करना है 3 की पावर में कन्वर्ट करें, 3 की पावर कितनी लेंगे, 3 5 बार 15 और 1 पावर आएगी 16, तो ये देखो इसका आंसर क्या बनता है, 1 की पावर 5 और 7 ओमेगा, 1 की पावर 5 जितनी मर्जी लें तो वो 1 ही आता है ओमेगा, तो इसके साथ आंसर क्या आ गया, 256 ओमेगा।
ये आ गया आंसर हमारे पास 256 ओमेगा। ठीक हो गया। हेलो। जी सर जी, ठीक है अच्छा सर। भी अब ना मुझे थोड़ा सा काम है, आज की क्लास ना इतनी ही होगी। ओके सर। ओके ओके ओके। मैंने ना स्टेशन पे जाना था, अब्दुल्ला, थोड़ा सा सवाल लेना था। अब्दुल्ला बताइए निशान कौन कौन से है। अल्लाह हाफिज अब्दुल्ला, इसको मैसेज कर देना बाद में। बात में मैसेज कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज।